देखना, विदाउट टेकिंग द एक्स्ट्रा एफर्ट व्हाट हैव यू स्टडीड, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लिए हुए आप पढ़ चुके हो कि ऐसे कंपाउंड्स को एल्केन्स कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ऐसे, एक सेकेंड, हाँ अच्छा, आई हैव नॉट शेयर्ड, आई एम जस्ट वे, आई जस्ट नीडेड टू, मैंने शुरू हो गई करण, आलू प्लीज क्लोज करो, ओके आई हैड नॉट शेयर्ड द स्क्रीन, सो स्क्रीन शेयर भी आ गया, आ गया, ठीक है। बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के हमारा ये भी क्लियर हो गया कि इसे एल्कीन्स कहते हैं, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के ये भी पता चल गया कि एल्काइन्स होता है, ये भी पता चल गया कि कार्बन के साथ एक्स, यानी कि हमारा एक्स कुड बी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज अ हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम हैलो एल्केन होता है, ठीक है। तो सी, दिस इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू, प्रैक्टिस वुड मेक यू डू व्हाट इज, विदाउट लर्निंग इट अपने आप ही याद हो गया, ये अल्कोहल का ग्रुप होता है जिसका नाम हमारा एल्केनॉल होता है, फिर हमने कर लिया ये ऐसे ओ और ये ऐसे होता है, दिस इज नोन एज एन इथर, एंड इथर का नाम एल्क ऑक्सी एल्केन होता है, इथर का नाम क्या होता है, एल्क ऑक्सी एल्केन, ठीक है। सो सी ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन, ठीक है, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट यू नो पढ़ाते पढ़ाते 7 शीट्स एक गो में खत्म हुआ है ना, दैट इज व्हाई आई हैव टू स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू शीट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एल्डिहाइड्स। ना एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं जब फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन पे ये बने, इसको एग्जैक्टली जिसको CHOB कहते हैं, और इसका नाम अल्कोहल की तरह होता है लेकिन एंड में AL आ जाता है, एल्केनल। बेंजीन का जो स्पेशल वाला होगा, जैसे अगर पहला वाला करें, ये हमारा ऐसे बन गया, तो दिस इज नोन एज मिथेनल। एक कार्बन है उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ डबल है, आई कम टू दैट, मिथेन और एल्डिहाइड है तो मिथेनॉल। दो कार्बन है, दो कार्बन में ये ऐसे बना, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, ये जा क्यों नहीं रहा, ओके गया, ओके, तो इसका नाम टू कार्बन इज दे, तो इसका नाम हो जाएगा इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन एंड अल, सो दिस इज एन इथेनॉल, ठीक है। फॉर्मूला लिखोगे तो इसे HCHO लिख सकते हो और इसे आप CH3CHO लिख सकते हो। अगर बेंजीन में बना बेटा CHO, तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, वापस समझा दो, कौन सा वाला टॉपिक समझना है वापस, वहां कुछ भी नहीं था, यही तो नया टॉपिक है, यहां से थे नहीं थे, ठीक है। The second one is a ketone. Exactly. Okay. Ketone में बीच वाले कार्बन पे, बीच does not mean the midpoint, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये कीटोन होता है और इसका नाम जब लिखते हैं तो
तो द नेम इज रिटन एज एल्केनॉन, द नेम इज रिटन एज एल्केनॉन, ठीक है। तो अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो इसका नाम प्रॉप फॉर थ्री कार्बन, एन फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओन फॉर अ कीटोनिक ग्रुप। अगर हमारे पास ये ऐसे हो गया CH2 CH3, तो अब ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन। अब अगर देखोगे तो अगेन मैंने एन के बाद ई नहीं लगाया, क्योंकि इधर पे एक और क्या आ गया, ठीक है। सो दिस इज अ कीटोन, एंड साथ में एक और करेंगे दैट इज अ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड में भी ऐसे आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आता है, ठीक है। तो इसमें हमारा इसको फॉर्मूला में जब लिखते हैं तो सी ओ ओ एच लिखते हैं। तो अगर एक कार्बन का हुआ तो एक कार्बन का ये सी ओ ओ एच और इधर से एच आ गया, सो दिस बिकम्स अ सी ओ ओ एच इन अ फॉर्मूला, एंड देन दिस इज नोन एज, एक ही कार्बन है, मिथ एन ओइक एसिड, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है एल्कनोइक एसिड। दो कार्बन का हो जाएगा तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, और अगर बेंजीन पे आ जाए, बेंजीन पे अगर हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आ जाए, चाहे ये ऐसे लिखा हो चाहे ये ऐसे लिखा हो, इट मींस द सेम थिंग। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस दिस वन, लेट्स गिव यू सम नेम्स। माय शीट इज ओपन, यस इट इज ओपन। सो सबसे पहले 3-methyl, फर्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर पे मिथाइल का ग्रुप है, 3-methyl हेप्टेनल, फिर नेक्स्ट वन इज 3-methyl साइक्लोपेंटेनॉन, 3-methyl साइक्लोपेंटेनॉन, उसके बाद से टू इन अल, पेंट टू पे इन, फिर 1 पे अल, फिर हमारे पास 1-phenyl propane 1-ol, 1-phenyl, फिनाइल मतलब बेंजीन का ब्रांच है, प्रोपेन 1-ol, ठीक है। पहले ये 4, ओके। सो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैंने यहां पे C डबल बॉन्ड O H बना दिया तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे CH3 आ गया। अब ये हम डाल देते हैं, तो दिस इज व्हाट यू शुड हैव गॉट, चेक, ओके। अब देखना बेटा, सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन। यहां इस कार्बन का डबल बॉन्ड ओ हो गया, दिस इज अ साइक्लोपेंटेनॉन, और 3 नंबर पे मिथाइल का ग्रुप आ गया,
नेक्स्ट वाले पे पेंट है, एक दो तीन चार पांच, दो नंबर पे इन है, एक नंबर पे अल है, ठीक है। तो अब यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां और तीन हाइड्रोजन यहां, ओके। सो दिस इज अवर पेंट टू इन वन अल। अब रूट नेम प्रॉप है, तो प्रॉप का मतलब तीन कार्बन बनाएंगे, ठीक है। एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक नंबर पे ओन है, ओके, और एक ही नंबर पे फिनाइल है, यानी कि बेंजीन का। हाँ जी बेटा, हाँ यस बेटा, ओके ना, फिर से देखो थर्ड वाला बेटा। थर्ड वाले में पेंट है, पेंट मतलब कितने कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव, दो नंबर पे क्या है, इन, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू पे इन है, कार्बन नंबर वन पे क्या है, अल है, कार्बन नंबर वन पे अल का मतलब सी डबल बॉन्ड हो एच, तो इसके चारों बॉन्ड हो गए, इसके पास एक और बॉन्ड आएगा, इसके पास एक और बॉन्ड आएगा, इसके पास दो बॉन्ड होंगे और इसके पास तीन बॉन्ड। आ गया बेटा समझ में? ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, ओके, लास्ट वाला, ओके, फिर से बेटा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, आज का थंब रूल क्या है बेटा, थंब रूल ये है कि सबसे पहले हमें देखना है रूट नेम। रूट नेम है प्रॉप, यानी कि बनेगा तीन कार्बन, उसके बाद से है प्राइमरी सफिक्स, एन है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक नंबर पे ओन है, एक नंबर पे ओन है, और एक ही नंबर पे फिनाइल है, यानी कि एक ही नंबर पे बेंजीन का भी ब्रांच है, ठीक है। अब हाइड्रोजन डाल दो, यहां पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहां पे तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। आ गया समझ में? वो बेटा वो इथर था, वो अगर आपने बेंजीन के आगे ऐसे ओ लगा दिया तो इसका मतलब उसका नाम क्या था, यस, वो इथर है, फिनॉक्सी है। अगर सिर्फ बेंजीन का रिंग ऐसे ब्रांच में आया है, अगर सिर्फ बेंजीन का रिंग ब्रांच में आया है तो उसे कहते हैं फिनाइल। का मतलब बेंजीन इन ब्रांच, ठीक है। अब नेक्स्ट नाम दो, यस बेटा, इसमें बेटा ये टर्मिनल हो गया ना कार्बन, एक दो तीन, ये ब्रांच में आ गया, ओके ना। इसका कॉमन नेम भी लिख देता हूं, इसका कॉमन नेम नहीं, प्रोपॉक्सी फिनॉन, मैं एक बार देखता हूं, प्रोपॉक्सी फिनॉन ही होगा, एक बार चेक करके बताता हूं। कॉमन नेम्स मैंने कभी ज्यादा याद किया नहीं है, बिकॉज 99% हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड द दैट नेम, द IUPAC, टू मिथाइल प्रोपेन अल, फिर नेक्स्ट है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखना बेटा, एक बार देखना सारे, कार्बलडिहाइड लिखा है, ठीक है, आई एम राइटिंग इट एज कार्बलडिहाइड। कार्बलडिहाइड का मतलब
मेरा सी एच ओ इज इन द ब्रांच एंड दिस कार्बन इज नॉट टेकन इन द लॉन्ग चेन. जब भी मैं कार्बनडिहाइड लिखूंगा तो इसका मतलब सी एच ओ ब्रांच में है एंड उसे हमने लॉन्ग चेन में नहीं गिना है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाना. उसके बाद से टू मिथॉक्सी प्रोपेनल. उसके बाद से पेंटेनल के बाद से हमारे पास आ गया प्रोपीन टू इनल. पेंटेनल प्रोपीन प्रोपीन का आ गया प्रोप टू इन सॉरी प्रोप टू इन वन एल. ओके, ये पांच पहले. अब आई नो यू ऑल विल बी एबल टू डू इट. क्वेश्चन आएंगे तो इसको मैं बता रहा हूं. देखना बेटा, सबसे पहले किस चीज पे जाओगे? रूट नेम पे जाओ, साइक्लोहेक्सेन. तो यानी कि सबसे पहले आप बना लो साइक्लोहेक्सेन. कार्बनडिहाइड का मतलब एल्डिहाइड का ग्रुप है. एल्डिहाइड का ग्रुप ब्रांच में बना दो. तीन नंबर पे मिथाइल बना दो, बन गया. ठीक है, एग्जैक्टली. इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड, थोड़ा मजा आ रहा है. ठीक है, नाउ प्रोपेनल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन. नंबरिंग नहीं दिया है तो एक नंबर पे अल है, दो नंबर पे मिथॉक्सी है. दोनों जुड़ गए भाई, सी ओ सी एच टी आ गया, फिर एक और एच आएगा और यहां पे सी एच टी. चेक करें. फिर पेंटेनल तो बहुत इजी है, एक दो तीन चार पांच. मैं अगर इधर पे भी बना दू या उधर से बना दू वुड मीन द सेम थिंग. तो आप ऐसे भी बना सकते हैं पेंटेनल को. अब प्रॉप टू इन वन अल, एक दो तीन प्रॉप, दो नंबर पे इन है, एक नंबर पे अल है, तो ये हो गया. यहाँ पे एक और आ जाएगा और यहाँ पे दो और आ जाएंगे, तो ये बन गया प्रॉप टू इन वन अल. ठीक है गाइस. अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं. आपका बेंजीन 1.2 डाई कार्बनडिहाइड. उसके बाद से नेक्स्ट इज थ्री ब्रोमो बेंजल्डिहाइड. फिर पेंटेन टू ओ. फिर है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन ट्रियोन. 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन टू ओन. ओके, गो अहेड एंड डू इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेटा क्या है? बेंजीन का रिंग. बेंजीन का रिंग बना दिया. एक नंबर पे कार्बन डिहाइड है, दो नंबर पे कार्बन डिहाइड है. फिर बेंजल डिहाइड बनाते हैं. पहले
बेंजल्डिहाइड में यहां पे CHO आ गया, तीन नंबर पे ब्रोमीन है, ठीक है। उसके बाद से ये तो इजी था, ये तो सबको ही आना चाहिए था। पेंटेन के दो नंबर पे ओन है, तो CH3 CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी था, पेंटेन टू ओन ही है, सो एक कार्बन दो, हाँ सो अब देखो इसमें ना क्वेश्चन गलत है, दो नंबर कार्बन पे मिथाइल तो आ ही नहीं सकता, तो ये होना चाहिए था 3-4, ठीक है। तो तीन नंबर पे एक मिथाइल, चार नंबर पे एक मिथाइल, तो CH3 इस पे आ ही नहीं सकता, CH CH एंड CH3। चेक करें, हो गए ये सारे, हाँ एक साइड से ले लिया तो दूसरे साइड से नहीं ले सकते, बिल्कुल सही कहा बेटा, यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम द अदर साइड, हाँ टू नहीं हो पाएगा। ओके तो ये एल्डिहाइड से अब हम चल रहे हैं, ओके लेट्स गो टू कार्बन एल्डिहाइड, अभी अभी आए, चलो भाई फिर तो देना ही बनता है, बनता है फिर तो बनता है। अभी कौन सा दिया था बेटा, 2,4-dimethylpentane, हाँ ठीक है, अच्छा 3-ON था, मैंने उसे 2-ON लिख दिया था, ठीक है 2-methyl, चलो आ गया भाई, अच्छा 2-methyl साइक्लो कंट्रोल ZZZ साइक्लो हेक्सेनॉन, ठीक है। फिर उसके बाद से है 4-methyl 4-methyl pent 3 pent 3 e and 2 o, चलो ये दो करो, कहीं पे भी डाल दो, थर्ड भी उसके लिए 1 ही हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, ऐसे साइक्लो हेक्सेनॉन हो गया ये और ये CH3 हो गया, या अगर आप इसे ऐसे लिख रहे हो डबल बॉन्ड, तो आप या तो यहां पे CH3 डालो या यहां पे CH3 डालो, वुड मीन द सेम थिंग, दिस वुड बी काउंटेड एज कार्बन नंबर 1 देन, ठीक है। अब पेंट 5 कार्बन हो गया, 3 नंबर पे इन हो गया, 4 नंबर पे मिथाइल हो गया, 2 नंबर पे ओन हो गया, तो CH3 इस पे नहीं आएगा, इस पे एक H आ जाएगा, इस पे कुछ नहीं आएगा CH3, चेक करें। ओके तो आई एम स्टार्टिंग द एसिड विद एन इजी वन, ठीक है, एसिड्स का इजी वाले से शुरू करते हैं, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, एक कार्बन है, उसी पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, तो एक बॉन्ड बचा एच। अगर हमारे पास इथेनोइक एसिड होगा, तो इथेनोइक एसिड का मतलब दो कार्बन है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो गया, यहां पे आ गया CH3, सो दिस इज इथेनोइक एसिड। अगर हम प्रोपेनोइक एसिड देखें, तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, सो 3 कार्बन्स, 1, 2, 3 कार्बन्स, फर्स्ट कार्बन पे COOH आ गया, फिर यहां पे CH2 आ जाएगा, यहां पे CH3 आ जाएगा। ओके अब आप लोगों की बारी, इजी वाला मैंने कर दिया, आई एम अ लेजी फेलो, सो आई डिड द इजी वन फॉर यू ऑल। नेक्स्ट इज ब्यूटेनोइक एसिड,
उसके बाद से 2-methylpropanoic एसिड. अब आई नो यू ऑल विल डू इट वेरी फास्ट दिस वन, यू ऑल हैव गॉट द हैंग ऑफ इट. 2-methylpropanoic एसिड, नेक्स्ट इज आपका, ओके ये वाला मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, इथेन डायोइक एसिड. ओके उसके बाद से प्रोपेन डायोइक एसिड, ओके प्लीज डू दिस देन आई विल कम टू मोर. हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड 1, 2, 3, 4, तो डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो ये CH2 CH2 CH3. प्रोपेनोइक एसिड का मतलब 1, 2, 3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दो नंबर पे मिथाइल आ गया तो ये CH रहेगा, ये CH3. फिर अब इथेन डायोइक एसिड है, इथ मतलब दो कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, डायोइक मतलब इधर पे भी एसिड है एंड इधर पे भी एसिड है, सो दिस बिकम्स आवर इथेन डायोइक एसिड. प्रोपेन ये ऐसे बेटा, ये इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है. अगर आप CHO लिख रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, जो कि गलत है. ठीक है, तो प्रोपेन डायोइक एसिड का मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन में आपका COOH है, तो बीच वाला कार्बन फ्री है, CH2 हो गया. ठीक है, ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन पहले है बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड भी, बेंजोइक एसिड मैं आपको बता देता हूं पहले क्या होता है. सो बेंजीन रिंग पे एसिड को बेंजोइक एसिड कहते हैं. ये बेंजीन रिंग बन गया, बेंजीन रिंग पे एसिड है तो दैट इज आवर बेंजोइक एसिड. और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद से हमारा कौन सा नाम आएगा, 2-phenylethanoic एसिड. टू मतलब बेंजीन का रिंग ब्रांच में है, ध्यान से, टू ये वाई इधर आएगा, यहां पे नहीं, 2-phenylethanoic एसिड, 2-phenylethanoic एसिड, गो अकॉर्डिंग टू द रूट नेम यू विल गेट इट करेक्ट, and then benzene 1,2-dicarboxylic acid. अभी ये मैं बताऊंगा नहीं, मुझे पता है आप लोग खुद कर लोगे, you'll have understood what would it mean. So benzene 1,2-dicarboxylic acid. Yes, एग्जैक्टली सेकेंड नंबर कार्बन पे होगा. एक नंबर पे तो ओइक एसिड आ गया, सेकेंड पे आपका आएगा. ओके लेट्स चेक. ठीक है, अब बेटा सबसे पहले रूट नेम इथेन, ओइक एसिड और फिनाइल यानी कि ब्रांच में बेंजीन का रिंग, तो ये हो गया ऐसे. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
कितने बार आप देखोगे बुक में ऐसे लिखा होता है। हाँ जी बेटा। नहीं, क्योंकि इथेन के दो नंबर कार्बन पे वो है, ये देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 तो इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया, ठीक है बेटा। ओके okay? आप देख, हाँ कौन सा, ये बेंजीन वाला। हाँ बेंजीन वाला तो अभी किया ही नहीं है। एक नंबर कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो नंबर कार्बन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। बस यही तो है और क्या। आदित्य इज लाइक इन स्टेट ऑफ शॉक की, बस यही है बेटा, यही है।